देश का ख्याति प्राप्त 117 साल पुराना मध्य प्रदेश के ग्वालियर व्यापार मेले पर एक बार फिर कोरोना का संकट मंडराने लगा है। हालात यह है कि कोरोना के चलते होने वाले व्यावसायिक नुकसान से बचने के लिए मेला शुरू होने से पहले ही लोग उससे दूरी बनाने लगे हैं। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के पास पार्किंग ठेकेदार ने टेंडर खत्म करने की बात कही है। ठेकेदार ने प्राधिकरण को दिए आवेदन पत्र में साफ कहा है कि बीते साल भी कोरोना के चलते उसे लाखों का नुकसान हुआ, जिसकी जमा राशि आज तक उसे वापस नहीं मिल पाई है। जबकि इस बार भी कोरोना की आशंका को देखते हुए सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। ऐसे में अब कोई वाहन पार्क करने वाला आएगा ही नहीं, तो पार्किंग ठेके से फिर से होने वाले लाखों के नुकसान को अब बर्दाश्त करना संभव नहीं है। ठेकेदार का यह कहना है कि बीते साल कोरोना की स्थिति को देखते हुए इस साल प्राधिकरण ने टेंडर शर्तों में भी बदलाव कर दिया है, जिसमें एक बिंदु में यह साफ कहा गया है कि यदि किसी स्थिति में मेले को बीच में ही बंद, निरस्त या रोकना पड़ा तो उस स्थिति में पार्किंग ठेके की जमा राशि वापस नहीं की जाएगी। भैया, मैंने जो अभी टेंडर लिया है मेला पार्किंग का, चिंता इसी की है कि जो कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, लोगों के मन में एक दहशत सी उत्पन्न सी हो गई है। और भारत सरकार और जिला कलेक्टर द्वारा जो गाइडलाइन दी गई हैं, उसमें साफ साफ बोला गया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जाने से बचें। जब मेला ही भीड़ भाड़ वाला ही है, जब लोग ज़्यादा आएंगे तभी मेला चलता है। और जैसे मैंने पार्किंग का ठेका लिया है, अगर जब लोग बाग ही नहीं आएंगे तो गाड़ियाँ भी नहीं आएंगी पार्किंग में, तो मेरी आर्थिक स्थिति पहले से ही कमज़ोर है, क्योंकि मैंने पहले भी 2021 में और 20 में मेरी द्वारा पार्किंग चलाई गई थी, अभी तक वो वाला पैसा मुझे अभी तक मिला नहीं है। और फिर मैंने अपना कैसे भी करके मैंने ये फिर से ले लिया द्वारा टेंडर, और फिर से ये कोरोना आ गया और गाइडलाइन आ गई, तो जब लोग ही नहीं आएंगे तो मुझे तो वैसे ही आर्थिक स्थिति मेरी कमज़ोर है, मानसिक रूप से भी मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं टेंडर निरस्त कराना चाहता हूँ, मेला चला है इस बार, ऑर्डर हमने लिया नहीं है। और मैंने अभी तक ना ही मेले से स्वीकृत लेटर लिया है, ना ही मैंने मेले से वर्क ऑर्डर लिया है, तो मुझे ये अपना टेंडर निरस्त कराना है। पिछली बार कितना नुकसान हुआ, इस बार अगर जारी रहता कितना नुकसान हो जाएगा? पिछली बार जैसे मेला आधा ही चला था, तो कहने का मतलब ये है कि मुझे 27 लाख रुपए का अभी मेले से मिलना है, वो अभी तक मुझे पैसा मिला नहीं है। नहीं, 27 लाख रुपए अभी मैं लॉस में ही हूँ, यानी कमाने का तो कुछ है नहीं है। जितना मैंने पैसा लगाया था वही पैसा नहीं निकला मेरा, अभी मेरा पैसा अभी मेले पे, इस बार 60 लाख का है। इस घटनाक्रम पर ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के सचिव निरंजन श्रीवास्तव का कहना है कि कोरोना को लेकर मेले में सभी एहतियात बरते जाएंगे, जिससे मेला सुचारू से चल सकेगा। पार्किंग ठेकेदार को भी परेशानी से दूर किया जाएगा। उनको यही बता रहे हैं कि तो अभी गाइडलाइन जारी हुई है और जो सावधानी वो सावधानी अपन रखेंगे, और इसलिए मेला जैसा अपेक्षा की गई है उसी के अनुरूप मेला लगाएंगे, मेला लगाने जा रहे हैं। ये कुछ टू व्हीलर वालों ने एक आवेदन दिया था जिसमें उनका टेंडर हुआ था, करीब 31 लाख के आसपास का है, टू व्हीलर के उसका पार्किंग का है, तो उसके लिए वो आए थे अपनी चिंता व्यक्त करने, कुछ आवेदन दिया है उन्होंने, देखते हैं उनके आवेदन पर विचार। गौरतलब है कि ठेकेदार को कोरोना के चलते बीते साल बीच समय में ही मेला निरस्त किए जाने से 27 लाख का नुकसान हुआ था, साथ ही जमा राशि भी प्राधिकरण ने वापस नहीं की, जबकि इस बार 60 लाख का ठेका हुआ है और 33 लाख से अधिक की राशि को जमा कराया गया है। ग्वालियर से इमरान खान के साथ गुड्डू सविता की रिपोर्ट।